उत्कृष्ट योद्धा हो तुम। तुम्हारा साहस चिपा गया। आप सब रुक क्यों गए? वार्ता करते रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों पक्षों को बहुत क्षति पहुंची है, इसलिए इसे देखकर और बहुत विचार विमर्श करके हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें संधि कर लेनी चाहिए। क्या? और इसीलिए यह प्रस्ताव लेकर सम्राट धनानंद स्वयं यहां पधारे हैं। आपका प्रस्ताव सराहनीय है। ये विचार हमें भी आया था, किंतु शाह सेलुकस को लगा कि संभवतः सम्राट धनानंद इस संधि के पक्ष में ना हो। उचित कहा आपने। पहले हमारे सम्राट सहमत नहीं थे, परंतु हमारे सम्राट का हृदय बहुत विशाल है। विकट परिस्थितियां और सैनिकों के घाव देखकर इनका हृदय मोम की भांति पिघल गया। और उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि रक्तपात छोड़कर इस समस्या का समाधान वार्ता से कर लिया जाए तो वही उचित होगा। और इससे दोनों पक्षों के सहस्त्र जीवन बच जाएंगे। इस जंग को रोकने की शर्तें क्या होंगी? बदले में आपको क्या चाहिए? तक्षशिला आपका था और सदैव रहेगा। हमें बस वो धरती दे दीजिए जो बलपूर्वक छीन कर आपने तक्षशिला के साथ जोड़ दी है। पौरव राष्ट्र। ये संधि दोनों पक्षों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हमें जो चाहिए हमें मिल जाएगा और आपकी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि इसके पश्चात हम तक्षशिला पे कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो बताइए, आपको यह संधि प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं? नहीं, ना कह दो, ना कह दो सेलुकस, ना कह दो। मंजूर है।